हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके बिना। आप जो फील करते हैं क्या उनको भी वैसा ही महसूस होता है, या उतनी ही तड़प आपके लिए है उनको, या वो भी कहीं कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, या किसी की रीडिंग देखते हैं, कुछ भी है देख जानने की कोशिश करेंगे हम। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, बहुत प्यारा कार्ड है, इसे हम बाहर ही रख लेते हैं। ओके देखिए, सबसे पहला कार्ड ही आ गया हाई प्रीस्टेस का। जस्टिस पहले से ही है, सिक्स एंड सिक्स की एनर्जी आ गई है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड आ गए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी मन की सुनूं या अपने दिमाग की सुनूं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लेकर अपनी चीज़ों को जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जो उन्होंने किया है उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि हो सकता है वो किसी दो राहे पे ऐसे खड़े हों कि उनको समझ ना आ पाता हो कि मैं क्या करूँ। तो उनका इंट्यूशन उनको गाइड करता है कि यस, ये आपके पर्सन हैं, ये सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हो रखा है और आपको ऐसा ऐसा करना है। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपनी चीज़ों को आपके साथ मैनेज करके चलने के बारे में सोचते हैं, बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, ये हर किसी के लिए। उनको ईश्वर जो है वो गाइड करते रहते हैं समय समय पर, उनकी आवाज़ जो है मन की वो उनको बोलती है कि यस, ये रिलेशनशिप जो है इतना आसान नहीं है, या इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस होता है, फील होता है कि हम एक डोरी में बंधे हैं और हम साथ ही चलेंगे। जितनी भी नेगेटिविटी है उसे हम ख़त्म करेंगे, और जितनी भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हैं उसे हम क्लियर करेंगे। ये देखिए, थ्री ऑफ वांड विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स, खोने से डरते हैं आपको, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं आपको। उनके मन में एक घबराहट सी होती होगी कि अगर हमारा ये बातचीत नहीं हुई, हमारी चीज़ें अगर हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ गया, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा पर्सन किसी और का हो जाए। उनके मन में ये चीज़ें रहती हैं। बहुत ज़्यादा जो है पोजेसिव हैं आपको लेकर, बहुत 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 ज़्यादा पोजेसिव हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा अशांति है, एक क्लियर डिसीज़न शायद वो अभी ना ले पा रहे हों, या नहीं ले पाते हों, या उनके मन में दुविधाएँ रहती हों, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली पर्सनैलिटी भी हो सकती है। लेकिन फिर भी उनके मन में आपको खोने का डर रहता है। हो सकता हो आपका वेट भी कर रहे हो कॉल और मैसेज का, कि आप ही उनको सामने से बातचीत कर लें, या मैं मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मुझे चीज़ें ठीक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या मेरा पर्सन मुझे रिएक्शन देगा सही से कि नहीं देगा। चीज़ों को मैनेज करने के बारे में, बैलेंस करके चलने के बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको, बहुत ज़्यादा याद भी करते होंगे आपकी पुरानी जो बातें हैं उनको ज़्यादा याद करते हैं। उनको याद करके हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा रोना भी आता हो, इमोशनल हो जाते हों, किसी से कुछ कह ना पाते हों, और उसके बाद अपने आप को एक कठोर व्यक्ति की तरह दुनिया के सामने लेकर आते हों कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी सिचुएशन में बहुत रूड बिहेवियर करते हों किसी से, हो सकता है ज़्यादा किसी से बन ना रही हो इस टाइम पर, या बहुत झगड़े होते रहते हों किसी के यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी चीज़ों के साथ, कि वो चीज़ें ठीक हो सकें और हम एक हो सकें। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड करती है कि हाँ, ये रिलेशनशिप हमारा है और हमें ही इसको जीना है, हमें ही इसे ठीक करना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो आती रहती होंगी और आपके पर्सन जो है उसे समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन उनकी इंट्यूशन फिर भी यही बोलती है कि नहीं, चीज़ें मैनेज होंगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, या मुझे करना है। सिक्स सिक्स की एनर्जी आई है और अगेन जस्टिस की एनर्जी आई है। तो मेन तो आपके पर्सन यहाँ पर आपके बिना यही फील करते हैं कि हमारे इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस हो, मेरा पर्सन मुझे वापस मिले, हम वापस से एक हो जाएं, हमारे बीच की सारी दूरियाँ ख़त्म हो जाएं, हम एक दूसरे के साथ चलें। हमारे बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी भी तरीके से मुलाकात हो जाए या चीज़ें ख़त्म हो जाएँ जो भी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव फील करते हैं, पोजेसिव फील करते हैं, आपको खोने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है रात में सोच सोच कर उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर रोना भी आता हो, समझ में ना आता हो क्या करना है, स्टक हो जाते होंगे अपनी चीज़ों में। ऐसा लगता होगा उन्हें कि यार क्या सब ख़त्म हो गया,
क्या सारी चीज़ें टूट गई, क्या सारी चीज़ें बिखर गईं, क्या वापस से हम एक नहीं हो पाएंगे, क्या हमारे रिलेशनशिप वापस से एक नहीं हो पाएगा, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्हीं सब बातों को लेकर सोच सोच कर मन ही मन में परेशान होते होंगे। ये भी हो सकता है कि उनका उनको ऐसा लगता हो कि यस ये तो ये रिलेशनशिप मेरा है, मुझे टूटने नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो बेबस होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि मेरा पर्सन अब मेरा साथ नहीं देगा, ऐसा भी लगता होगा कि हो सकता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा टफ रिलेशनशिप रहा हो या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में गुजरा हो, या जब एंड हुआ हो या ब्रेकअप हुआ हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हो, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा वाला बेकार वाला झगड़ा हुआ हो या आर्ग्यूमेंट हुई हो, जिसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नेगेटिव हो गए हों, एक दूसरे को भला बुरा बोला हो, उसके बाद वही बातें इनके मन में आती हैं और वही बातें याद करके ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि किसी से बात ना करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, या मिलजुल रहे हैं लेकिन एक माइंड कहीं खोया हुआ है, समझ नहीं आ रहे कहाँ जा रहे हैं, किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो मन जो है उनका फीका पड़ रहा है, अंदर ही अंदर डल हो रहा है, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग हो जाए, हेल्दी हो जाए, ग्रो करे, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनकी ये भी घबराहट है कि कहीं आप उन्हें अब ना अपनाएं, कि ऐसा ना हो कि आप मुझे आप उन्हें जगह ही ना दें, या ये रिलेशनशिप कहीं टूट तो नहीं गया, कहीं बिखर तो नहीं गया, वापस से चीज़ें हमारे बीच में ठीक होंगी नहीं ठीक होंगी। ये कुछ सवाल हैं जो कि उनके मन में जो है चलते रहते हैं। साथ ही साथ उनके मन में एक ये भी आवाज़ आती है कि एक दिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम वापस से एक हो जाएंगे, क्योंकि हमें आपस से एक होना ही होना है। अगर थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों की लाइफ में, तो थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से जाएगी। हो सकता है कुछ समय लग सकता है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी लाइफ से ज़रूर जाएगी। तो 3-3 की एनर्जी आई हुई, सबसे पहले 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 3 दिन 3 घंटे 3 वीक्स मैक्सिमम 3 मंथ्स मैं जाऊँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी का तो बहुत जल्दी रीयूनाइट हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है खिंच जाए। 6 नंबर भी किसी के लिए लकी हो सकता है। 6 नंबर 6 दिन हो सकते हैं, 6 घंटे हो सकते हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं यहाँ पर। और किसी के लिए 2 नंबर भी यहाँ पर लकी हो सकता है, या 2 नंबर उनको बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन बहुत फास्ट होने को है। आपके पर्सन जो है वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी है, आपके बिना बहुत 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 ज़्यादा बेचैन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा घबराहट फील करते हैं। जब भी आपकी याद उनको आती होगी तो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, वो पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं जो कि आपके बिना रहती हैं, आपके बिना महसूस करते हैं, आपके बिना स्टक फील करते हैं, और कहीं ना कहीं माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है जब आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा सताती है, ओके। तो ये कुछ एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अपना ध्यान रखें, अपने अदर चीज़ों का भी ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपनी जॉब, हर चीज़ को बैलेंस करके चलें ताकि चीज़ें आपकी ख़राब ना हो, एक अच्छी लाइफ आपकी चले, आपका पार्टनर भी आपको मिले, आपका करियर भी आपको मिले, आपकी जॉब सब कुछ सेफ रहे, ठीक रहे, अपने आप को संभाल कर चलें, ओके। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।